एक गांव था जिसमें एक छोटा सा मार्केट लगा करता था। उस मार्केट में एक सब्जी वाला बैठता था, एक फ्रूट वाला बैठता था, दो तीन सब्जी वाले और थे और एक ठेले वाला था। तो वो ठेले वाला खूब अच्छी सुंदर सुंदर सब्जियां लगाता और वो सब्जी से खूब सारे पैसे रोज इकट्ठे करके घर चला जाता और अमीर बनता जा रहा था। उसी के साथ में एक दूसरा सब्जी वाला भी था जिसका नाम था कमल। कमल बैठता था जमीन पर और जमीन पर अपनी सब्जी लगा के वेट करता रहता, अभी कोई आएगा मेरी सब्जी खरीदेगा, लेकिन कोई आता ही नहीं था। और ये जो मदर ठेला वाला था इसकी सब्जी सब देते थे, तो वो बड़ा दुखी हुआ। कमल बोला अपनी वाइफ को, अब तो पैसे भी खत्म हो गए, अब क्या करेंगे, कोई सब्जी नहीं लेता मेरी, रोज मुझे सब्जी तीखी पड़ती है। इसकी वाइफ ये बोला, आप मेरी चेन लो, इसको जाकर सुनार तो दो और उससे पैसे लो और एक अच्छा सा ठेला खरीद के लेके आओ। तो उसने कहा, ठीक है, जब मैं ठेले से पैसे बना लूंगा सब्जी बेच के, तो मैं तुम्हारी चेन वापस तुम्हें कर दूंगा। उन्होंने कहा हाँ, और फिर वो गया, उसने ये पैसे लिए और चेन दे दी सुनार को। और जैसे ही वापस निकला वहां से, तो एक बूढ़े बाबा उसके ठेले के पास से टकरा गए और गिर, और बहुत चोट लग गई उनको, खून निकलने लग गया और बेहोश हो गए। वो घबरा गया। कमल ने सोचा, ये मर जाएंगे, मुझे इनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। वो उन्हें लिटा के अपने ठेले पर हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा, उसने इंजेक्शन दिया, दवाइयाँ दी, उनका अच्छे से इलाज किया, सब खून वो पहुँचा और कमल ने उन्हें पैसे दिए और वापस घर पर छोड़ दिया बूढ़े बाबा को। बूढ़े बाबा ने उसे थैंक यू बोला और बोला, तुम कितने अच्छे आदमी हो, अगर आज तुम मेरा ध्यान नहीं रखते तो मैं तो मर जाता, रोड पर ही मर जाता। तो उसने बोला कि हाँ जी कोई बात नहीं, लेकिन तो चुप हो गया बोल के। फिर बाबा ने बोला, क्या बात है बेटा, बोलो तुम्हें क्या तकलीफ है। उसने कहा है, मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, मेरे पास सब्जी के पैसे नहीं बचे। उन्होंने बोला, अच्छा मेरे पास एक जादू का कटहल है, कटहल होता है जैक फ्रूट, तो वो होती है सब्जी। और उन्होंने बोला, तुम इसको अपने ठेले पर रखना, रोज यही एक ठेले पे होना चाहिए तुम्हारा कटहल, और कुछ नहीं रखोगे तुम, और फिर इसको देखना तुम ये जादू क्या दिखाएगा। तो वो थोड़ी देर तो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा, कटहल क्या जादू दिखा सकता है, पर चलो अब यही ले जाना पड़ेगा, पैसे तो नहीं है। वो घर गया, उसने अपनी वाइफ को पूरी बात बताई। उन्होंने सुबह वो के उस कटहल को वापस ठेले पे रखा, वो नहाने धोने के लिए गया और जब आया तो पूरे ठेले में इतना बड़ा सा कटहल पड़ा हुआ था, जो छोटा कटहल जादू पर इतना बड़ा बन गया था। तो वो पहले तो डर गया, उसने बोला, मैं ऐसा कटहल लेके जाऊंगा मार्केट में तो समझेंगे मेरे ऊपर। तो उसकी वाइफ ने बोला, ठहरो इसको हम काटते, हम इसके टुकड़े टुकड़े करके अच्छे से रेली सजाएंगे और उस ठेले पे हम सब्जी बेचेंगे। तो इसने कहा, ये ठीक है। और दोनों ने मिल के सब्जी काटी, उसके अच्छे अच्छे से पीसेस बना के उसे ठेले पर सजाया, मार्केट गए और खूब सारे पैसे लेके आए, क्योंकि वो मिनटों में बिक गया और खुश हो गया वो। उसने अपनी वाइफ की चेन भी वापस कर दी बोर्ड ज्वेलर से लाकर। जो साथ वाला मदन था वो सारा दिन देख रहा था कि इतना सारा कटहल लेकर आया ये, फिर वो मिनटों में बिक भी गया, इतने सारे पैसे भी मिल गए, तो कुछ बात तो है गड़बड़। तो उसने कहा, मैं इसके घर जाऊंगा और मैं देखता हूँ कि कैसे कर रहा है ये सब कांड। वो उसके घर गया, वहां जाके उसने देखा कि एक कटहल और पड़ा हुआ था बड़ा, और उस दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे। वाइफ बोल रही थी कि अब सो जाते हैं, एक जो टुकड़ा बचा था ना कटहल का जो मैंने घर में रखा था, वो भी ये बड़ा सा कटहल बन गया, अब इसे करने के जाना। तो उसे समझ आए मदन को, ओ ये जादू का कटहल मिल गया इनको कहीं से। उसने सोचा, ये मुझे चुराना चाहिए। वो वेट करता रहा कि जब ये दोनों सो जाएंगे तो मैं इस कटहल को चुरा के ले जाऊंगा। और वो सो गए। जब वो नींद में, गहरी नींद में सो गए, तो धीरे धीरे मदन अंदर घुसा और उसने वो बड़ा सा कटहल जो वहां पड़ा था
उसके टुकड़े किए और फिर उसको बोरी में भर कर वो अपने घर ले गया और बड़ा खुश हुआ। अपनी वाइफ को बताया, देखो आज जैसे इसने पैसे कमाए हैं ना सारा कटहल बेच के, कल मैं कमाऊंगा, मैं कितना सारा कटहल लेके आया हूँ। दोनों बड़े खुश खुश सो गए। सुबह जब वो उठा तो मदन ने देखा कि सारा कटहल का बोरा कीड़ों से भरा है, उसमें बदबू आ रही है, वो गंदा हो चुका है। तो वो डर गया, उसने बोला वो इतना गंदा अगर मैं बेचूंगा तो कोई नहीं खरीदेगा, मेरे पास कोई नहीं आएगा। उसकी वाइफ ने बोला जल्दी से जाके इसे नदी में फेंक के आओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सामान घर में, जैसे तुम पहले सब्जी बेचते थे वही बेचो, हमें चोरी का काम नहीं करना है, हमें चोरी का सामान भी नहीं लेना है। और यहाँ पे जब कमन उठा तो उसने देखा जादू का कटहल गायब, तो वो भी बड़ा दुखी हो गया। उसने कहा ओहो अब मैं कैसे बेचूंगा, ये तो गायब हो गया है ही नहीं। उसकी वाइफ ने बोला कि आप उस कटहल को क्यों याद कर रहे हो, आपने बूढ़े बाबा की मदद करी, उन्होंने आपको जादू का कटहल दिया, आपने पैसे कमाए, अब उन पैसों से आप अपना ठेला भी आ गया आपके पास, आप अपनी सब्जी बेचो और अच्छे से आप लाइफ अपनी जियो। दोनों ने ये बात सोची कि अब हमें भी अपनी जिंदगी अच्छी बितानी है, हमें कोई जादू के कटहल की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम अपने नए ठेले पर अच्छी नई ताजी सब्जियां ना कर सजा कर बेच सकते। और इस तरह उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम अच्छे से रहेंगे और लो जादू का कटहल। अब हो गया निधि टाइम, आईज क्लोज, गुड नाइट।